उसको देख के बिल्कुल सिद्धू मूसे वाले भाई की याद आ जाती है। पीछे बैकग्राउंड बज रहा था, क्या बज रहा था, सही बंद हो गया इन भाई वो गाड़ी। मैं कह रहा हूँ भाई सिद्धू भाई की याद आ जाती है बहुत ज़्यादा वो देख के, तो आप सभी को भाई बहुत मजा आएगा, बस आप प्यार बना के रखना। चलते फटाफट से लोकेशन पर, आप सबको दिखाते गाड़ी। जैसे कि आज आप सभी को बताया था भाई गैंगस्टर थार दिखाने वाले हैं, वो भी ओल्ड मॉडल। तो पहले भाई से मिलते हो, कैसे हो भाई? बढ़िया बस भाई, हम भी बढ़िया। तो भाई इन भाई को सब जानते होंगे भाई, पहले हमने दिखा रखा वीडियो में, तो इन भाई ने ले लिया थार। तो ये बता दो इसका मॉडल वगैरह क्या रहने वाला है? पहले तो 2018 मॉडल है। हाँ जी, और भाई और तक क्या डिटेल है इसकी? डीजल ही आती थी पहले। अच्छा ये डीजल है? पहले डीजल ही आती थी। अच्छा पहले डीजल ही आती थी, 4x4 में भाई ने डीजल ले रखी है। और भाई साथ में जो ये लग रही है ना, ये सिद्धू मूसे वाले की याद दिला रही है भाई, ऐसी बना रखी है। हम फैन है वो सिद्धू मूसे वाले भाई के, इसीलिए ले रखे हैं भाई। वो तो अभी आते हैं साइड प्रोफाइल में भाई, लेकिन जो बात है ना भाई, एक नंबर लग रही है। तो भाई मैं बात करूँ फ्रंट में, आपने क्या क्या चेंजेस करवा रखा है भाई? फ्रंट में इसकी ग्रिल चेंज है। अच्छा ग्रिल चेंज है, ये चेक करो भाई। ग्रिल कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लाइटें चेंज करवाई थी। अच्छा लाइटें भी चेंज है, ये देखो भाई लाइटें भी चेंज है। तो इसमें मतलब कैसे स्टार्ट होती है, ये ऑन होती है मतलब? चलो भाई दिखाओ। तो गाइस अभी लाइट्स देखना ऑन होएगी, जब कैसे ऑन होगी भाई ये चेक करो गाइस, देख रहे हो मैंने लाइट डिम करी, ये देखो भाई गाइस क्या ही लग रही है भाई, देख रहे हो पहले ब्लू फिर वाइट, भाई साहब मज़ा आ गया। ये इंडिकेटर है भाई इसके, ये चेक करो, ये देख रहे हो मैं लाइट डिम करता हूँ, ये देख रहे हो भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई, एक नंबर भाई। तो भाई और बात करूँ, और भाई ये लगवा रखा आपने? हाँ भाई, इसको ये बम्पर कहते हैं। अच्छा हाँ, ये नई वाली में तो लगता ही नहीं है भाई, ये भाई जुगाड़ू बंदे करवा सकते, जुगाड़ू करवा सकते हैं, सही बात है। और साथ के साथ भाई ने एंटीना लगवा रखा है भाई, मतलब फ्रंट से जो लुक आ रही है ना, पूरी मॉन्स्टर होता ना मॉन्स्टर, वो लग रहा है। और एक चीज़ और भाई, ये उठवा भी रखी है आपने गाड़ी? क्योंकि मेरे को 4 इंच तो 4 इंच लिफ्ट है, तो भाई देख लो 4 इंच लिफ्ट है भाई साहब। जो भी तो लिफ्ट करवाई थी, लिफ्ट करवाने से पहले का हाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, टायर अंदर लगता था कहीं गड्ढे वगैरह में जाते, मुड़ गए। अच्छा मुड़ गए, करवा लेना भाई सीधे। हाँ तो भाई फ्रंट से तो ये लुक आने वाली। और भाई मैं नंबर देख रहा हूँ, नंबर खरीदा हुआ है? हाँ भाई नंबर खरीदा हुआ है, 2 लाख रुपए का नंबर। लो भाई 2 लाख रुपए का तो नंबर नंबर है गाड़ी में, देख रहे हो। तो अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल चेक करो क्या ही एंड लग रही है भाई, देख रहे हो टायर देखो कितने भार है भाई इसके, ये प्रॉपर भाई ऑफ रोडिंग वाले व्हील है भाई, डलवाने का जो ट्रेंडिंग में चल रहे वो भी डलवा सकते थे, बाहर आ जाते इसमें यही बढ़िया, और इसमें लगते भी यही बढ़िया, सही बात है। इसकी यार ग्रिप देखो इतनी मोटी भाई, अनुसान बताऊं मैं, अब साइड से लुक चेक करो। अभी भाई ने वॉश करवाई थी व्लॉग बनाने से पहले भाई, जैसे हम लोकेशन टूटे टूटे गाड़ी का ये हाल हो गया भाई, ये तो थोड़े बहुत पानी होता है। हाँ कहीं ज़्यादा पानी हो ना। हाँ अच्छा यहाँ तक जाती है। तो भाई अब लिफ्ट का सीन दिखाओ आप पे, क्या पता चलता भाई है? वो इसके पीछे है, वो इसमें ये कमानी वाला सिस्टम होता है। अच्छा इसमें पीछे कमानी होती है। अच्छा आगे कोयल होते हैं। अच्छा इसमें कोयल बड़े लगवा रखे हैं, और पीछे एक कमानी एक्स्ट्रा है। अच्छा अच्छा दो अच्छा दो दो ओके। तो कितने इंच का लोहे होगा भाई ये अंदाजा कुछ? इसका रिम है 15 इंच का। अच्छा रिम 15 इंच का है? अच्छा इसके रिम 15 इंच के हैं, टायर साइज है 33x12। उचरा भला भाई देख रहे हो, जब भी तो भाई इस थार में ये प्रॉपर ही ऑफ रोडिंग के लिए बनी है थार भाई, सच में ये 33 इंच कहते हैं। हाँ पुरानी थार के अलग हिसाब के टायर आते हैं। अच्छा 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 12.5 जो चौड़ा, हाँ 33 इंची टायर कहते हैं इसको भाई। इसका भी रुतबा ही है भाई, अब तो नई थार आ रही है और ये ओल्ड है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? एक चीज हो जाए, चलो भाई बाप तो बाप होता है। लो भाई सही बात है, एक नंबर बात कह दी भाई ने, बाप तो बाप ही होता है, सही बात है भाई।
नए वाली थार गाड़ी है, गाड़ी थार है नहीं। थार नहीं है ये भी, और भाई गाड़ी में ऑटोमेटिक दे दो, चलो मैनुअल भी आ रही है, मैनुअल भी है भाई, थार है बिल्कुल रो गाड़ी, बिल्कुल सही बात, फीचर नहीं, कोई फीचर नहीं, बंदा जैसा चलाना चाहे वैसे चला, वैसे चलाओ भाई, वो है थार। और इसका रुतबा ही है यार भाई अलग ही, कि बंदा सामने को चल रहा हो ना साइड ही दे देगा कि भाई हट जाओ, भाई इसको तो BMW मर्सिडीज वाले भी साइड देते हैं, और बताओ यार और क्या चाहिए भाई, पता है ये इनका कुछ जाएगा नहीं हमारी, हमारी सही बात है, टायर से और सामने से अगर हिट भी कर दी पूरी खत्म हो जानी है, तो भाई ये पहले साइड से देख लो भाई, और जेट ब्लैक करवा रखे भाई वो रिकमेंड नहीं करते, वो अपना शौक है भाई, भाई जिसके बस की हो करा, वो करा लो भाई, जिसके बस की वो करवा लो, ठीक है भाई, सही तो सभी की हो रही है बस की। सही बात है, तो सबके ही हो रही है, और भाई हाइट दिखाऊं, देखो इस पे चढ़ना पड़ता, हाइट देखो आप गाड़ी की, ये देखो भाई, डिफिकल्ट नहीं होता थोड़ा आपको चढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत तो होता होगा, ये भी है ये लो भाई, मेरे जैसा चढ़ेगा ना भाई, पहले मैं तो इस पे पैर रखूंगा, मेरे भाई को भी पैर रखना पड़ता है यहां पे, वही वही, और जैसे फैमिली चढ़ती है, फैमिली की है या नहीं, फैमिली जाती नहीं, मम्मी को तो पसंद है, अच्छा पापा कहते हैं तुम क्या घोड़ा लिया है, लो भाई आंटी जी को पसंद, आंटी बैठी है इसमें कभी, मम्मी कह रही थी थार लेनी है, अच्छा मेरे बड़े भाई को और मेरी मम्मी को थार पसंद है, अच्छा तो वो कह रहे थे मेरा भाई पीछे पड़ा रहता है, थार लेनी है, थार लेनी है, अच्छी लगती है भाई, सही बात है, तो भाई इसके मिरर देखो भाई, इसके कुछ ऐसे आते हैं, और भाई अपनी वो है कपड़े में है ना थोड़ा ऊपर, ये सेमी हार्ड कहते हैं, अच्छा सेमी हार्ड भाई, नीचे लोहे की सीट, हाँ जी हाँ जी, उसके ऊपर लकड़ी की पलाई, पलाई कपड़ा होता है, कपड़ा होता है, इसके ऊपर चढ़ भी सकते हो, अच्छा चढ़ भी सकते हैं, ये देखो, और भाई साथ के साथ भाई ने यार सिद्धू मूसे वाला लगा रखा है, चेक करो भाई गंदा हो रहा है इसको, भाई ये जान है भाई अपनी, भाई भाई ये बंदा ऊपर ले, भाई फॉरएवर है भाई हमारे लिए भाई, ये चाहे कोई भी सिंगर हो, तो भाई अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल में, भाई बैक प्रोफाइल चेक करो भाई गाइस, मेरे को पीछे इसकी टेल लाइट भी चेंज लग रही है, टेल लाइट चेंज है भी इसकी, टेल लाइट चेंज है, हाँ जी, पर ये हमने खोली थी, अच्छा इसलिए पॉइंट बन गए, साइड वाली दिखा दो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई ये चेक करो गाइस, ये तो भाई सीन हो गया फिर है, खुद मिस्त्री बनने का, अच्छा यही होता है भाई, जब खुद कार्रवाई बिठा देते ना तो हो ही जाता है ऐसा, और भाई ये फोर सीटर नहीं है, सिक्स सीटर है, अच्छा सिक्स सीटर है, पुरानी थार सिक्स सीटर ही आती है, इसकी पिछली दो सीटें लंबी, हाँ हाँ, और दिखाते हैं आपको एक बार, खोलना भाई, भाई ये चेक करो भाई, भाई का बैग रखो, हाँ भाई मेरा ही बैग और हेलमेट भी, ये देखो भाई, और भाई ये देखो। अंदर से ये सीट कवर है, हाँ हाँ, पूरी बर्फी वाली छत करवा रखी है, छत करवा रखी है, तो गाइस अब अंदर बैठ के इंटीरियर दिखाते हैं, बाहर से तो हो गई होगी भाई अपनी सारी कंप्लीट, लगभग पूरी है, बस आगे लाइटें वगैरह है जो बोनेट पे लगा रखी है, बार लाइट है, अच्छा 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 बार लाइट थी, हाँ गाइस दिखाता हूँ, एक मिनट वो रह गई थी, ये चेक करो, ये रही भाई बार लाइट, ये देखो भाई ये बार लाइट है भाई, हाँ ये है हमर लाइट, हाँ हमर लाइट, और ये लाइट है, इसको नाम मेरे को पता नहीं, मेरे भाई नहीं लगा, अच्छा अच्छा इसका भी नाम होगा कुछ, सही बात, लेकिन रात का रिस्पांस तो अच्छा होगा, क्योंकि जब रोड पे चलते हो गए, जब तक ये और ये नहीं थी ना, हाँ तब तक अंधे हो गए चल रहे थे हम, अच्छा अब दूसरों को अंधा कर रहे होगे भाई, दूसरे अंधे हो ही रहे, अब हमारी गाड़ी चलती है, हाँ इसके बस रिंग चलते हैं, बस ये चलती है, जान जाओ ये चलती है, जा जा जा, और ठंड आ गई, अब तो ठंड में यही कामयाब है भाई, इसके ऊपर ढक्कन भी मिले, अच्छा अच्छा अच्छा, लो भाई ढक्कन भी मिले हुए भाई को, तो ढक्कन भी दिखा रहे भाई, ये चेक करो, ये ढक्कन है, ये पीले थे, अच्छा अंदर बल्ब है, मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ, लो भाई ये भी चेक करना गाइस, प्रॉपर भाई ओल्ड जो मॉडल वाले प्यार है ना थार वाले, वो भाई प्रॉपर देखना इस वीडियो को, आप सभी को मजा आ जाएगा, ये चेक करो भाई, ये देखो भाई अभी मेरे को देखने में आँख पे बहुत थ्रो मार रही है, चलिए हाँ अभी तो रात भी नहीं है, और ये पीली ऐसे ही लगाना, ये देखो फोक काट देगी भाई, ये तो फोक काट देगी, ये भाई ओके रिपोर्ट है भाई गाइस, ये देख लो, और ये बार लाइट है, ये तो इसके बिना तो पुरानी थार पड़ी नहीं लगती भाई, ये इसके बिगड़ तो मजा ही नहीं है, सही बात है, अच्छा हाँ अभी नहीं है, सही बात है, तो गाइस हमने बाहर से पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी है, अब चलते गाड़ी के इंटीरियर में, भाई लुक चेक कर लो क्या ही शानदार आ रही है, कसम से यार मजा आ गया भाई, तो चलो गाइस अंदर चलते हैं, गाइस आप सभी को मैं हाइट दिखाता हूँ, मेरे को देखो कितनी मुश्किल होगी चढ़ने में, भाई जैसे हाइट के हिसाब से जा रहे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे पंप लेके चढ़ना पड़ रहा भाई, और भाई अंदर से तो जेडी आपको बताइए, तो भाई अब बात करूँ, अब बताओ अंदर से क्या क्या चेंज करवा रखा आपने इंटीरियर में, भाई अंदर से इसका पहले तो क्रीम इंटीरियर था, क्रीम इंटीरियर था, ओके तो इंटीरियर के हिसाब से हमने ब्लैक करवा, ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, और ये देखो भाई ये बर्फी कट,
बोलते हैं जिसको, वो डिजाइन है ना, बर्फी डिजाइन बोलते हैं। हाँ बर्फी डिजाइन बोलते हैं। और अभी तो कुछ ज्यादा करवाया नहीं। और सीट कवर भी चेंज है भैया, इसकी सीटें ही चेंज है। तो सीटें ही चेंज है, सीट जो दबाई थी ली है मैंने। हाँ उसने सीट चेंज करवा के ये कुशन वाले बनवा रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ गाइस ये चेक करो, ये देखो भाई। अच्छा ये भी व्हाइट कर दिया आपने लाइट। अच्छा ये आपने वो थार वाले डाल रखे जो आजकल शिफ्ट वगैरह में डल रहे हैं, तो इसका नुकसान नुकसान है कुछ भाई? भाई नुकसान नहीं है, हवा आती आती है। अच्छा हवा आती आती है, वो तो महिंद्रा का एसी जेनुइन है भाई। हाँ सुन कर देता है, नहीं तो भाई शिफ्ट में तो कामयाब नहीं है भाई। ये तो है, मैंने आज फाइनली मगर भाई से पूछी जाए क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो भाई कह रहे एसी की हवा नहीं आ पाती। महंगी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी नहीं है। अच्छा क्वालिटी नहीं है, ये देखो मतलब ठीक है। हाँ जी थोड़े हिलते रहते हैं चलते चलते। ओहो फिर तो भाई मेरे हिसाब से 3,000 रुपए के आते हैं दो शायद। दो हाँ कुछ आइडिया नहीं भाई, क्या पता कितने का कितने की सही बात। अब लगभग याद नहीं है भाई, जब लगे थे तब का ही है, याद है सही। और भाई इसका ये देखो इस साइड की, इसमें लाइट जल रही है अंदर। हाँ हाँ इसमें लाइट खराब होगी भाई, ये नुकसान है भाई, सही बात है गाइस। और भाई म्यूजिक सिस्टम में बात करो। म्यूजिक सिस्टम में भाई अभी तो काम चला हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा। आगे 2 मिड है। हाँ जी घर पे रखी थी सीए की। अच्छा सीए की ये रखी है भाई अपने पास। अच्छा 2 मिड हो गई। और हाँ। भाई और 2 ओवल लगा रखे हैं। अच्छा गाइस ये 2 ओवल और एक सबवूफर है। हाँ, एक चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज का, तो मतलब आउटपुट बढ़िया आएगा जो मतलब सुनने लायक अपनी गाड़ी में, मजा आए। मतलब ओके है भाई, है ना। बाकी इन फ्यूचर आप बढ़िया पेटी लगा सकते भाई, इन फ्यूचर अभी मेरी दूसरी गाड़ी में सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा अच्छा 1200 RMS का। अच्छा और उसमें 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक पेर फुल रेंज लगी हुई है और 4 ओवल लगे हुए हैं। 4 ओवल वो सारा कुछ इसमें लगा। अच्छा वो फिर तो भाई मजा आ जाएगा गाड़ी में भाई, थार जैसी गाड़ी और ये ऐसे में म्यूजिक सिस्टम ना हो फिर तो मजा नहीं है। मजा तो अभी भी आ जाता है भाई, वो लगती है ऐसी ये गाड़ी यार, बंदे डर जाते हैं। तो चलो गाइस आप सभी को सुनाते हैं म्यूजिक सिस्टम। आउटपुट की बात करूँ, आउटपुट तो ठीक ठाक आ रहा है, मतलब गाड़ी में सुनने लायक है अभी भाई। अभी हमें तो कम ही लग रहा है। हाँ वो तो भाई कम लगेगा जब सिस्टम की आवाज सुनते हैं जब, तो भाई वो तो भाई मेरे भाई को ना थोड़ा मीठा मीठे ही आवाज पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप फिर लोग इन फ्यूचर में इसमें 1200 RMS डाल दोगे? हाँ भाई, तो भाई प्लान है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी ड्यूटी लग गई। अच्छा कई और गाड़ी लेगा नॉर्मल। हाँ ये मेरे हाथ में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, अभी बड़े भाई के हाथ में, मतलब थोड़ी अभी 20% मेरी है। अच्छा 20% है। जब वो गर्मी में चुपचाप निकाल लो वो वाला हिसाब है भाई। तो भाई ये सारी बातें तो गई, पूरी गाड़ी में कितना पैसा लगा दिया भाई? कुछ अराउंड का तो पता नहीं। हाँ जी हाँ जी, इतना बता सकता हूँ थोड़ा बहुत पता है, 3,000 3200 रुपए की लाइटें थी ये जो लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, बार लाइट है 1700 या 1750 की थी। ओके और भाई इसका तो मैं भूल ही गया, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जैसे ओवरऑल पूरी गाड़ी में बताओ ना। ओवरऑल भाई, अच्छा टोटल पूरी गाड़ी का, टोटल भाई पूरी गाड़ी पे टायर ट्यूब इंटीरियर वगैरह सब मिला के 170-180 के आसपास, मतलब 170 भाई ने लगा दी गाड़ी में। तो भाई देख लो 170 में सारा कुछ बता रहा हूँ भाई, इसमें बम्पर, हार्ड टॉप, सेमी हार्ड टॉप, अच्छा अच्छा अच्छा, और इंटीरियर, टायर सिस्टम सब कुछ मिला के। तो भाई देख लो इस मॉडल में भी भाई ऐसी थार रेडी हो सकती है, और 1,70,000 रुपए भाई ने लगा दिया। भाई आप और भी लगा सकते हो, सबके अलग अलग चॉइस होती है मॉडिफिकेशन में भाई, सबका अलग टेस्ट है। हाँ टेस्ट, अब इसमें 35 इंची टायर भी डलते हैं। ठीक है, अब इसमें 33 डले हुए थे। ओके तो हमने अभी चेंज नहीं करवाया, हम इसमें 35 ही डाल देंगे। अच्छा थोड़ी और ऊंची हो जाएगी। हाँ चार पंजाब में जितनी थारे हैं सबने भाई
क्या नाम है 35 इंच डाल रहे 35। हाँ अब हमारे को भाई यहाँ देखना पड़ रहा है, हमारी गली भी पतली है। सही बात है। और यहाँ पे रिक्शे ऐसे बढ़ जाते हैं और रिक्शे बाइक वाले ऐसे हैं। और दूसरा भाई एक नुकसान हो रहा है, मैं तो अब फिल्म उतारूंगा, डबल जेड कर रखी है। अच्छा साइड से है। अब इसका ना यहाँ से देख रहा हूँ ना मैं, हाँ मेरे को डैशबोर्ड ही दिख रहा है। हाँ भाई डैशबोर्ड यहाँ से देखना पड़ रहा है बाहर देखने के लिए। भाई सही कह रहे, जेड का ये नुकसान है। देखो मेरे को भी वही ज्यादा पता नहीं चल रहा, बाहर कौन आ रहा है शीशे में नहीं पता चलेगा भाई। ये तो भाई रात में बहुत दिक्कत है। रात में तो भाई आएगी, रात में इसलिए कम चलाते हैं, दोपहर को ही ठीक है भाई। ये रात के लिए भाई फिर वही हल्की जेड करवानी पड़ेगी आपको गाड़ी, वही लास्ट उपाय है ना भाई। तो भाई चलो वीडियो को एंड करते हैं। भाई की गाड़ी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर कुछ नेक्स्ट मिलेगा इसमें देखने के लिए। क्यों भाई? हाँ छोटे मोटे अपडेट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। हाँ इंस्टा पे भी आएंगे भाई के, और जब नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएगी कुछ अपग्रेड ही मिलेगा इसमें जब तक है। ठीक है गाइज, तो चलो गाइज जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।